अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि अगर कोई भी वार्निंग आ जाती है डिज़ाइन के दौरान या कोई एरर, तो फिर उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो प्रॉपर हम वो देखेंगे आज। तो जल्दी से हम एक अपना यहाँ पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो उस पर फिर एरर वार्निंग को हम देखेंगे कि किस तरह ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पर हम सब चलाते हैं, अब ये हमारा यहाँ पे पूरा इसकी मॉडलिंग हो चुकी है पूरी, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे एनालाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एरर फिनिश कमांड इन लोड डेटा, वो यहाँ पे वार्निंग एरर भी शो हो रहे थे। वो एरर इस वजह से थे कि यहाँ पे एनालाइज नहीं किया था, एनालाइज का कमांड नहीं दी थी। परफॉर्म एनालाइज करने से पहले आपको बताना होगा कि एनालाइज करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर परफॉर्म एनालाइज पे बताएंगे कि रिजल्ट में मुझे हाँ रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपका एनालाइज होगा, क्योंकि वहाँ पे वो शो हो रहा था कि आपका जो लोड है लोड के बाद फिनिश आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिनिश नहीं आना चाहिए। तो अभी आउटपुट फाइल देखते हैं, इसमें क्या वार्निंग है वो देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं एनालाइज की कमांड जो है वो दो दफ़ा यूज़ हो चुकी है, तो वो एक दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। उसका इतना इशू नहीं है, तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। दो दफ़ा कमांड यूज़ हुई पड़ी है एक्चुअली, ठीक है। तो सिर्फ ये इशू आ रहा है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इस पर डिज़ाइन की तरफ जाना है। तो डिज़ाइन में हम क्या करते होते हैं वो हम देख लेते हैं। डिज़ाइन में एक्चुअली हम यहाँ पर इसका कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम IS कोड स्टैंडर्ड इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। आप सेलेक्ट पैरामीटर्स, सेलेक्ट पैरामीटर्स में ये देखें पैरामीटर्स जो जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं, और ये सारे पैरामीटर्स हम इनके मुताबिक यहाँ पे वैल्यू देने जा रहे हैं। क्लियर कवर हम दे देते हैं 0.1, ठीक है। एंड और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो हैं वैल्यूज़, ये भी इसके साथ ही हम ओके करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सारी हम असाइन करेंगे असाइन टू व्यू, ठीक है। अब इसमें देखें जिस तरह आपको बता रहा है, क्लियर कवर आपने ले लिया, डेप्थ आप देंगे, डेप्थ आप क्रॉस सेक्शन की डेप्थ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें डेप्थ आपकी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो बताएंगे। यहाँ पे फेस बता सकते हैं आप उसको, और इसको मेंबर लेंथ फैक्टर बता सकते हैं कि लोकल वाइड डायरेक्शन में उसकी कितने मेंबर की लेंथ होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ दे सकते हैं इसकी, ये ऐड कर लेते हैं, लीन ऐड कर लेते हैं, स्कैंड्री यहाँ पर देखें स्कैंड्री ऐड कर लेते हैं, स्ट्रेंथ इसकी ऐड कर लें एक्चुअली हम, कि शेयर इन्फोर्समेंट जो स्टील यूज़ हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वही होगी। चेंज भी कर सकते हैं आप इसमें, मैक्सिमम जो मेन स्टील है आप कितना यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिकल रहते हुए यानी कि जो आपके पास अवेलेबल हो आप मैक्सिमम बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा वाला बार यूज़ नहीं कर देंगे आप आएगा, ठीक है। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं, 25 भी हो सकता है उसको ज़रूरत इससे कम 25 mm के बार की ना हो और उसको 40 की ज़रूरत हो, तो वो इस 25 का तक मैक्सिमम आपने बताया कि इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते बार का साइज़, लेकिन उसको तो ज़रूरत है 40 की, ठीक है, उस डिज़ाइन के लिए। तो रिक्वायर्ड ये है और आप उसको कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, तो वो फेल हो जाएगा डिज़ाइन, ठीक है। वहाँ पे वार्निंग एरर आ जाएगा, तो एरर इन वजह से आता है, इन चीज़ों की वजह से। तो इसमें आप मैक्सिमम आप यूज़ करें जितना हो सकता है, मैक्सिमम उसका आप सेकेंडरी जो स्टील है यानी कि आप जो टॉप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जिसको आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टील कहते हैं रीइंफोर्समेंट, तो उसको आप क्या कहेंगे उसका आप बता देंगे कि इतना डाया से ज़्यादा बार आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आप 12 mm यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से एरर आ सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको यहाँ पर 25 की या किसी और इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो डाया की, और आप उसको लिमिट कर रहे हैं कि यहाँ तक आप यूज़ करें वो, तो ये इस वजह से एरर आते हैं। मूवमेंट आप दे सकते हैं मेन बार मैक्सिमम साइज़ फॉर बार कम्बिनेशन,
कम्बिनेशन वन के लिए आप जो मैक्सिमम साइज ऑफ बार यूज़ करें वो कौन सा करें, तो ये सारी इन चीज़ों की वजह से एरर आता है। जब आप ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए ये खुद से आप उसको बताते हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये तो डिज़ाइन के दौरान वो खुद करता है लोगों, अगर आप इसको ऐड कर देंगे साथ साथ तो एरर आएंगे इनकी वजह से, ठीक है। तो क्लोज करते हैं इसमें, यहाँ पे फाइन पैरामीटर्स में मैक्सिमम भी ऐड कर लेते हैं हम, और इसकी भी ऐड कर लेते हैं, इसकी वजह से भी एरर आ गई, ठीक है। तो हम ये भी देख लेंगे, और उसके बाद कमांड्स में आ जाते हैं हम, बीम और कॉलम डिज़ाइन करने हैं, और टेक ऑफ पे आ जाते हैं। सारा हमें साइन टू व्यू करना है, यहाँ पे ये प्रॉपर हो चुका है। तो इसको अब हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं दोबारा से, एनालिसिस यहाँ पे देखिए आपके पास वार्निंग शो कर रहा है, तो ये वार्निंग में ये देख सकते हैं सारा कुछ आपको डिटेल बता देगा, उसके मुताबिक आप उसको वार्निंग और एरर को ख़त्म कर सकते हैं जाके। अगर कंजेक्टिव एनालिसिस कमांड्स बिल्कुल वही एरर वार्निंग दोबारा आ रही है, और उसके बाद एक और वार्निंग आ रही है जो कि स्टील की है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील सॉरी कंक्रीट की है, वो कहता है ये यूज़ किया हुआ है आपने लेकिन आप इस रेंज के दरमियान कोई वैल्यूज़ यूज़ करें तो ये एरर है, इसमें वार्निंग है, तो इससे इतना इशू नहीं है। लेकिन जो बड़े एरर्स हैं वो आते हैं तब जब कोई आप हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो, और आप यहाँ पे उसको बता दें कि आप ये स्टील यूज़ करें, मैक्सिमम ये यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम ये यूज़ कर सकते हैं, या कोई आप उसको रेंज बता दें, या ख़ुद से कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर दें जो कि अननेसेसरी हों और आपको ज़रूरत नहीं है उनको देने की, वो खुद से वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप खुद से देंगे तो वो एरर्स का काज कर सके, वो वजह बन सकती है। और उसके बाद एक होता है जो कि एरर वार्निंग जिसकी वजह से आ सकता है, उसमें होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं की किसी मेंबर को, वो वैसे ही का वैसे ही रह गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई आपका मेम्बर ऐसे तो नहीं रह गया बाई मिसिंग एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, कि स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करें कि उसकी मिसिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई है, लेकिन विद मिसिंग प्रॉपर्टीज हों, कि इसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं जिसमें कोई मिसिंग प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी असाइन करना हम भूल गए हों, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको जाके स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं कि सारी स्पोर्ट्स इन पर हम दे चुके हैं कि नहीं। तो ये सारा कुछ हम जो है देखते हैं फॉर दी एनालाइज, ताकि हमारी जो एरर है वार्निंग है वो ख़त्म हो सके। तो एरर जब भी आते हैं तो वो उसमें एरर के साथ वो डिज़ाइन नहीं करेगा कभी भी, तो एरर ख़त्म करना लाजमी है। तो एरर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सिर्फ मुख्तसर चीज़ें दें आप जो पैरामीटर्स आपको देने की ज़रूरत है जो नेसेसरी है, बस एक्स्ट्रा ना दें जिसकी वजह से एरर आ सकता है, और एरर आएगा तो अभी भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा। और अगर कोई एरर आता भी है तो उस एरर के साथ या वार्निंग के साथ लिखा होता है कि वो किस वजह से आया, तो उस वजह को आप देखें और उसको जाके प्रॉपरली ठीक करें, तो जाके उसको दोबारा से कमांड में एनालाइज करें और प्रॉपर एनालाइज करके उसको डिज़ाइन कर लें। तो ये तो था एरर और वार्निंग को खत्म करने।